Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy bags, locker for अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है ए18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज 7 सितंबर ट्यूसडे यानी मंगल का दिन है। आइए नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें। अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी क्लासेस का आगाज हो चुका है। आप देख सकते हैं मर्द व ख्वातीन तलबा के दरमियान एक पर्दा लगाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ऐलान करने से पहले ही ये क्लासेस का आगाज कर दिया गया। तालिबान ने जैसे कहा वैसे ही क्लासेस का आगाज किया गया। मर्द व ख्वातीन के दरमियान पर्दा लगवा कर उन्हें अलग बिठाकर क्लासेस शुरू किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनने के मौके पर एक शानदार दावत रखी गई है, जिसमें तालिबान ने पाकिस्तान, तुर्की, खतर, रशिया, चाइना और ईरान को दावत दिए। इस्लामिक एमरेट ऑफ अफगानिस्तान की हुकूमत कायम होने के मौके पर लेकिन इंडिया और सऊदी अरब को दावत नहीं दी गई। केरला में हाल ही में 12 साल का लड़का नीफा वायरस से मुतासर था और हॉस्पिटल में उसकी दौरान इलाज मौत हो गई। 11 लोग उस 12 साल के लड़के के कांटेक्ट में आए और उन तमाम 11 लोगों को नीफा वायरस के सिम्टम्स थे। केरला स्टेट हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कहा कि उस बच्चे के कांटेक्ट में करीब 251 लोग आए थे। उन तमाम लोगों की जानकारी निकाली गई। 251 लोगों में से शामिल 129 हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं, जिनकी जल्द ही नीफा वायरस के लिए टेस्टिंग की जाएगी। महाराष्ट्र स्टेट एनर्जी मिनिस्टर नितिन राउत ने मंडे के दिन कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर नागपुर पहुंच गई है और नागपुर में जल्द ही कोविड-19 वबा के खिलाफ पाबंदियां आयत की जाएगी। अथॉरिटीज जल्द ही तारीख का फैसला करेंगे। तमाम कारोबार, बिजनेस, दुकानों पर दोबारा पाबंदियां आयत करेंगे कोरोना वायरस के केसेस को काबू में लाने। इंडिया में पिछले 24 घंटों में 71,222 नए कोविड-19 केसेस दर्ज किए गए। कल के मुकाबले आज कम केसेस दर्ज हुए 19.8%। कुल इंडिया भर में एक्टिव केसेस 3,92,864 केसेस एक्टिव है। गवर्नमेंट ने कहा कि अभी तक 69,90,00,000 लोग कोविड-19 वैक्सीन से इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं। मुकेश अंबानी जो चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के, फिलहाल वो इंडिया के सबसे अमीर शख्स बन गए, यानी आज मंगल के दिन $95 बिलियन के साथ, यानी अगर रुपयों में देखा जाए तो 6,970,150,000,000 रुपए होते हैं। वो जल्दी $100 बिलियन क्लब में शामिल हो जाएंगे। सबसे कठिन काम पूरे सरकारी अमले में अगर किसी सरकारी कर्मचारी का है तो पुलिस के मित्रों का है। मैंने कई बार दीपावली की रात को जब बाहर निकलते हैं एक कांस्टेबल ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं, मेरे मन में छोटा सा सवाल आता है, इसके लिए दीपावली नहीं है क्या? कोई बहन राखी बांधने के लिए जाती है और अपने भाई को राखी बांध कर सुरक्षित वापिस आती है और वहां पर कोई कांस्टेबल को व्यवस्था करते हुए देखते हैं तो बहन के मन में सवाल क्यों नहीं आता कि इसकी बहन राखी नहीं बांधना चाहती क्या? होली हम लोग सब लोगों के लिए त्योहार है, सब लोगों के लिए। पुलिस के लिए होली कानून और व्यवस्था संभालने का विषय है, चाहे जन्माष्टमी हो, ईद हो, मुहर्रम हो, हर जगह पे इतनी कठिन कामगिरी शायद ही कोई सरकारी कर्मचारी की, अधिकारी की होगी। ना काम के घंटे तय होते, ना काम में सुनिश्चितता होती है। मैंने देखा इनके शरीर पर भी बहुत असर पड़ती है, मगर इसका एक्नोलेजमेंट बहुत कम हुआ है।